दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर आज अपडेट किया गया है कि डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आज एक्टिव हो जाएगा। हालांकि सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर ही नहीं बल्कि कुछ और भी जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो भी बन चुके हैं। और उसके बाद ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर प्लीज़ आप एक बार ज़रूर से जाके चेक करें कि ये क्या मामला है। ओके, तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में इन लोगों ने ये अपडेट करा है तो ये किस बेस पे अपडेट करा है, क्या वास्तव में आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर इन लोगों ने ऐसा ही अपडेट करा है। तो चलिए हम लोग सारा कुछ यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो इनका वेबसाइट है यहाँ पर एक एडमिट कार्ड के लिए अलग से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर लिख रखा है NTA JNU 2020 एडमिट कार्ड। ओके, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो करता है। अब देखिए, ये जो इनका आर्टिकल है ये तो पुराना है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए यहाँ पर बताने वाला हूँ। आर्टिकल तो पुराना है बट इन लोगों ने इस पोस्ट को आज अपडेट किया है करीब 1:45 पे। ओके, अब इन लोगों ने किस बेस पे ये अपडेट करा है ये हम लोग और आगे जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इनका जो एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग इन लोगों ने दे रखा है कि लिंक एक्टिव टूडे, यानी कि आज डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा। बट अभी मैं आपको बता दूँ कि करीब 6:21 हो रहे हैं और अभी तक NTA का जो वेबसाइट है वहाँ पर इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या शो करता है। ओके, तो ये लिंक हमें डायरेक्ट जो NTA का वेबसाइट है वहाँ पर लेके चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी अपडेट इस तरह का नहीं है, और यहाँ पर जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वो भी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। चलिए हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पर साइन इन करते हैं, जो डैशबोर्ड है उसमें हम लोग साइन इन करने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर कुछ इस तरह का शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है साइन इन करते हैं। मैं ये कैप्चा जो दिया हुआ है पहले इसे फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे फिल कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ। तो साइन इन करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी जो है नहीं दे रखा है कि आपका एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखा है। ओके, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने किस बेस पे ये बताया है कि आज डाउनलोड करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि NTA की वेबसाइट पे यहाँ पर कुछ भी इस तरह का अपडेट नहीं करा गया है। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देता है तो अच्छी बात है, आप लोग NTA का जो वेबसाइट है उसे चेक करते रहिएगा। अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद NTA रात को 12 बजे के बाद अगर आपका नोटिस रिलीज़ करता है तो ये भी हो सकता है कि भाई जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका 12 बजे के बाद रिलीज़ करे। तो फ़िलहाल तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये आपको जो भी वेबसाइट पे बताया जा रहा है या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि आज आ जाएगा इस तरह से, जैसे सरकारीrizult.com है या फिर सरकारexam.com है या फिर कुछ और भी न्यूज़पेपर है जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आज एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। बट हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर तो अपडेट नहीं आया है। अगर आता है तो मैं आपको वीडियो बना के सबसे पहले बता दूंगा। NTA क्या कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक करते रहेंगे, जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको वीडियो बना के सबसे पहले बता दूंगा दोस्तों। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।